इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करेंगे हम रिवीजन सीरीज फॉर सीबीएसई 2021। अब देखो यहाँ पे 2021 आपका आने वाला है बोर्ड और यहाँ पे आपने सब कुछ कवर अप कर लिया है। मोस्टली थोड़े बहुत बच्चों की इकोलॉजी वगैरह रह गई है, बट पढ़ लिया ना लेकिन रिवाइज नहीं किया तो कैसे बोर्ड में स्कोर करोगे? ओके सोचो थोड़ा। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया है सब कुछ, रिवीजन भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इस बार बोर्ड्स देना है। तो यहाँ पे ये जो रिवीजन टेस्ट सीरीज है ना, ये तीन चीजें कंटेन करती है। इस रिवीजन टेस्ट सीरीज में जितना भी बायोलॉजी का सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2021, हम उन सबको एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। ओके एक यूनिट में से हम एक चैप्टर उठाएंगे और उसे रिवाइज करेंगे इस रिवीजन सीरीज में। यहाँ पे इस रिवीजन सीरीज में हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे आपकी एनसीईआरटी को। देखो एनसीईआरटी को आपने पढ़ लिया कि थोड़े बच्चों ने पढ़ा होगा, थोड़े बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा होगा, थोड़े बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हाँ ये आता ही आता है नेक्स्ट ईयर, इतना पढ़ लोगे तो बेस्ट अपना स्कोर कर पाओगे। तो ये वाला रिविजन ना उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है या बहुत थोड़ी पढ़ी है। ओके दूसरी चीज, यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं आपके पीवाईक्यूज में। तो इस रिविजन टेस्ट सीरीज में जो भी आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हें भी हम डील करेंगे, चाहे वो डायग्राम पे बेस्ड हो या नहीं हो। डायग्राम वाले भी लेके चलेंगे कि कौन कौन से डायग्राम से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्लस यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेट में अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है अपनी आंसर शीट में। अब बहुत बार मैंने बच्चे को देखा है, बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे सब कुछ आता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं आता, इसकी वजह से वहां पे मार्क्स क्या हो जाते हैं, रिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके मार्क्स रिडक्ट नहीं हो, आप बेटर स्कोर कर पाए बायोलॉजी के अंदर, तो इसके लिए फॉर्मेट जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं फॉर्मेट भी ऐड करूंगी कि एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है अपना आंसर। ओके सो आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट फर्स्ट का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यूनिट फर्स्ट है आपकी रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको चार चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन तीन चैप्टर्स को तो अभी आप छोड़ दो, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की इन ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, जो कि आपको आई से दिख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं दिख सकते, आपको माइक्रोस्कोप या कुछ यूज करना पड़ेगा, जैसे बैक्टीरिया हो गए। ओके प्लांट्स, एनिमल, तो ये सारी चीजें ना आपके ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, राइट? तो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, राइट, वो अपने ही जैसे सिमिलर को प्रोड्यूस करेगा, उस वर्ड को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट से, एक बॉडी से प्रोड्यूस हो जाएगा उसके जैसा ऑफस्प्रिंग। ओके तो जब एक ही बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इस वाले डायग्राम की हेल्प ले लो, ये एक सिंगल बॉडी है। ओके ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपका अमीबा है, अमोइबा, राइट, ये आपका अमोइबा है। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉडी है, इसी से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा इसमें, और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे दो डॉटर सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या मैं इसे क्या कह सकती हूँ, यूनिपेरेंटल, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट से आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी होता, ज्यादातर नहीं होता। जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन हो सकता है क्या, तो नो फ्यूजन टेक्स प्लेस। जब भी नो, नॉट जैसा वर्ड देखो, उसे एनसर्कल करो, आपके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे प्रोजेनी जो भी फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पे दो प्रोजेनी फॉर्म हुई है एक सेल से, एक अमोइबा की सेल से, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और जो आपका पेरेंट बॉडी है एग्जैक्टली सिमिलर होगी डॉटर सेल से, मतलब जो आपका ऑफस्प्रिंग है या फिर आप जिसे आप प्रोजेनी कह रहे हो, प्रोजेनी जो आपके बनके तैयार हुई है डॉटर सेल्स, वो एग्जैक्टली सेम होंगी। एग्जैक्टली सेम कैसे होंगी? मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, उसी से आपके दो डॉटर सेल्स बनके तैयार हो गए। तो इसीलिए क्योंकि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है डॉटर सेल्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनकी प्रोजेनी को हम बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे कौन सी डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपकी माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है आपको। अब एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल का बनना है, बहुत फास्ट होता है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उनमें आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, इवोल्यूशन मतलब यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली जो पेरेंट था उसी के जैसे दो डॉटर सेल बनके तैयार हो गई, या फिर एक डॉटर या फिर बहुत सारी डॉटर्स बनके तैयार हो गई, तो कोई भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोन्स, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है। ओके, यहाँ पे किन किन में आपको ये देखने के लिए मिलता है? तो सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमोइबा हो गया, ओके, पैरामीशियम में आपको देखने के लिए मिलता है, प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत सिंपल होते हैं, एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो ये एसेक्सुअल वाला पार्ट आपका कवर अप हो गया। नाउ द सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक होगा आपका मेल और एक होगा आपकी फीमेल। ओके, तो एक मेल और एक फीमेल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों अपने अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे और फिर क्या होगा, गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूजन, या जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? तो दो पेरेंट्स हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, मेल है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का। ओके, अगर ह्यूमन की बात मान के चलते हैं, अगर ह्यूमन का केस लेके चल रहे हैं हम, तो और फीमेल है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओवा, राइट? तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन के बाद गैमीट का फ्यूजन होगा और फिर जो आपकी प्रोजेनी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। आप ऑफस्प्रिंग बोलो, प्रोजेनी बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलेंगे, क्लोन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देगा, बहुत वेरिएशन होता है आप में, आपके मम्मी पापा में बहुत वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है ना, मुझमें आप में बहुत वेरिएशन है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन लेके आता है, वेरिएशन क्रिएट करता है एक सिंगल स्पीशीज की पॉपुलेशन में। ओके, यहाँ पे मियोसिस आपको देखने के लिए मिलेगी, मियोसिस डिवीजन आपको माइटोसिस भी देखने के लिए मिलेगा, दोनों देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मियोसिस यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, डिफरेंशिएट करने के लिए। मियोसिस जो डिवीजन होती है इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये सिर्फ आपको देखने के लिए मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है आपका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें टाइम लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलती है। जितने भी आपके हायर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें आपको देखने के लिए मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। प्लस यहाँ पे जितने भी चार चैप्टर है बेस्ड इस पे कि रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, जो भी आपकी बर्थ हुई है किसी ऑर्गेनिज्म की, ओके, उस बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ हम बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि उसे किसी प्रेडेटर ने खा लिया फिर उसकी डेथ हो गई, नहीं, उसकी नेचुरल डेथ तक जितना भी टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका लाइफ स्पैन। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन आपको देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 weeks, बस इतना लाइफ स्पैन होता है। अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट का साइज कितना बड़ा होता है लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ
60 to 75 years होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डॉग की, डॉग जो कि आपको बहुत ज्यादा देखने के मिलता है, हो सकता है आपके घर में भी हो एक डॉग, तो उसका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 20 ईयर्स। पैरट की अगर मैं बात करूं तो पैरट देखो कितना छोटा होता है, एलिफेंट से कितना छोटा है, लेकिन अगर मैं इसके लाइफ स्पैन की बात करूं तो इसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। देन टॉर्टोइस जो होता है आपका, उसका 100 to 150 ईयर्स आपको देखने के लिए मिलता है लाइफ स्पैन। बनियन ट्री जो होता है उसका आपका 200 to 300 ईयर्स आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्टोइस, बनियन ट्री और आपका पैरट का। देन क्रो, क्रो जो होता है आपका वो 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होता है। बनाना ट्री, बनाना ट्री का आपका 25 ईयर्स। और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो आपको देखने के लिए मिलता है लाइक 60 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। तो हमने 9 इंपॉर्टेंट आपके लाइफ स्पैन को कवर अप करें। एनसीईआरटी से आप बुक उठाओगे, आप और भी रिवाइज कर सकते हो अच्छी तरीके से, लेकिन ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, एक राइस प्लांट वाला भी है, तो राइस प्लांट वाला बुक खोलो और देखो कि राइस प्लांट का एग्जैक्टली लाइफ स्पैन कितना है और अच्छी तरीके से उसे याद करो। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट की, जिसका नाम है इकॉर्निया क्रास्पिरिस। इसका बोटानिकल नेम है, वैसे इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। ये वाटर हाइसिंथ क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसे हमने इंडिया में लाइक इंट्रोड्यूस करा था, इंडिया में नहीं था, हम इसे लेके आए थे ताकि, क्योंकि इसके हमें फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे थे, जो फ्लावर्स होते हैं ना इसके देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे थे, प्लस यहाँ पे जो इसकी लीफ की शेप थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी, तो इसीलिए हमने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई भी चीज ऐसे नहीं आती है, क्या हुआ था ना, क्वीन विक्टोरिया आ रही थी तो हमें लेक को डेकोरेट करना था, तो इसके लिए इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तब तो लेक में लगा दिया, लेकिन इसके लगाते समय हमने ये नहीं सोचा था कि जितने भी अदर फिशेज है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और जो जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनका क्या होगा। तो हमने लगा दिया बहुत जल्दी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसने रिप्रोड्यूस करा और पूरे ही लेक में फैल गया। लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया देख के हाँ बहुत ब्यूटीफुल है चली गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जितने भी वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो ये रिप्रोड्यूस करता जा रहा था जल्दी जल्दी, इसने सारा सारा ऑक्सीजन ले लिया। तो अब जो बेचारी फिशेज आपको देखने के लिए मिल रही है वाटर में, वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, नंबर उनका कम होता गया और कम होता गया, तो यहाँ वहां पे उस लेक के लिए टेरर बन के तैयार हो गया, मतलब जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसे तो खत्म कर देगा ये, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, मे बी आपके 2021 में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता हो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसे कवर अप करना है, तो हम स्टार्ट करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें आपका मेल का भी इन्वॉल्वमेंट है और फीमेल का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके 3 इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो इवेंट से आपके प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन जिसे आप बोल सकते हो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ओके, एंड द लास्ट वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखो फर्टिलाइजेशन में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपके मेल का गैमीट मिलेगा और फीमेल का गैमीट मिलेगा और क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपको पता चल गया क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले क्या होगा और इसके बाद क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में यानी कि पहले फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस को आधा तोड़ो, गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, इट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। मेल और फीमेल दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट, किसी एक पर्टिकुलर में तो नहीं होगा, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या होगा, दोनों जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात करूं मेल में स्पर्म, ठीक है, और अगर प्लांट की बात करें तो एम्फिरोजॉइड, और फीमेल में ओवा या फिर ओवम या फिर आप बोल सकते हो एग, ओके, तो इनका फॉर्मेशन होगा। और फिर क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे जिसे हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। प्लांट के अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं
उससे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ओके। और हर ये ट्रांसफर के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसी किसी में हमें मीडियम वाटर देखने के लिए मिलता है। वाटर हमें किन किन में देखने के लिए मिलता है? हमें वाटर देखने के लिए मिलता है एल्गी में, ओके, आपके ब्रायोफाइट्स में और आपके टेरिडोफाइट्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे आपको वाटर एज अ मीडियम किस में देखने के लिए मिलता है, तो आपको किस में देखने के लिए मिलता है? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। तो इन तीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया ना। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मेल गैमीट है, जो मेल गैमीट है वो यूजली हमें मोटाइल देखने के लिए मिलता है, यानी कि यही फीमेल के पास जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। हाउएवर जो फीमेल गैमीट है आपका, वो हमें हमेशा ज्यादातर केसेस में हमें स्टेशनरी देखने के लिए मिलती है, ओके, स्टेशनरी। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे आपको फीमेल और मेल दोनों एक साथ मोटाइल देखने के लिए मिलेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो देखने के लिए मिलता है आपको एल्गी में और फंजाई में, ओके। तो एल्गी और फंजाई में ऐसे केस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे दोनों पास आएंगे बाय द प्रोसेस नोन एज गैमीट ट्रांसफर पॉलिनेशन प्लांट्स में। ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनली पास आएंगे, ओके। एंड फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आएगी प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट और ज्यादा मिच्योर होगा और जाइगोट से फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का, ओके। और एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, ये अडल्ट में फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आई होप इतना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आगे अब देखो यहाँ पे हम ये वाला डायग्राम सबसे पहले कवर अप करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ये तीन डायग्राम जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये दो गैमीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, मेल और फीमेल, दोनों का बिल्कुल सेम है। ये है आपके आइसोगैमीट, यानी कि बिल्कुल सेम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं आइसोगैमीट। और ये आपको ग्रीन एल्गी में देखने के लिए मिलते हैं। ग्रीन एल्गी का मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्लैडोफोरा, ओके, क्लैडोफोरा में देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, ओके, फीमेल गैमीट है आपका, और ये आपका मेल गैमीट है। ये दोनों का साइज बिल्कुल डिफरेंट है, ओके, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, आइसो मतलब सेम और गैमीट मतलब गैमीट, आइसो गैमीट, बिल्कुल सेम गैमीट है। इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमीट, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट साइज वाले गैमीट है। और ये आपको किसमें देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं फ्यूकस में, ओके। यहाँ पे देखो ये आपका फीमेल का है और ये मेल के स्पर्म्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से आप कन्वे कर पा रहे होंगे, स्पर्म्स है ये। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन का, ह्यूमन बींग का, या फिर आप क्या बोल सकते हो, होमोसेपियन का, ओके, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल है, ओके। सो ये तीन चीजें हो गई, बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकिल्स की, ओके, तो साइकिल्स कौन कौन सी, दो साइकिल्स हमें यूजुअली देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी दो साइकिल्स, एक होती है आपकी ईस्ट्रल साइकिल और एक होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमें प्राइमेट्स में देखने के लिए मिलती है और ईस्ट्रल साइकिल हमें नॉन प्राइमेट्स में देखने के लिए मिलती है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स कौन से होते हैं, तो प्राइमेट्स में आपके जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स है, ओके, देन आपके एप्स है और आपके मंकी है, ये आपके प्राइमेट्स में आ गए। तो प्राइमेट्स के अंदर मंकी, एप्स और ह्यूमन में, ये प्राइमेट्स है और इनके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलती है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 मार्क्स की आती है एग्जाम में, वरना कम मार्क्स की भी आ जाती है, थोड़े बहुत पार्ट्स पूछ लेता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के अंदर मिलती है प्लस ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। दूसरी है ईस्ट्रस साइकिल, जो कि आपको नॉन प्राइमेट्स में देखने के लिए मिलती है। नॉन प्राइमेट्स में आपकी सारे ही कैटल्स आ जाती है, जैसे कि आपका काउ हो गया, शीप हो गया, बफेलो हो गया, इन सारे गोट हो गए, ओके, तो कैटल्स में आपको देखने के लिए मिलती है। नॉन प्राइमेट्स में
ईस्ट्रस साइकिल, और बात कर रहे हैं हम मोनोशियस और डाइशियस की, तो इसका डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखो मोनोशियस वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों ही एक ही आपको ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिले। तो सपोज कर लेते एग्जाम्पल ले रही हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो कैसे हैं आपके मोनोशियस है, दोनों उनके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपको एंथर फिलामेंट भी देखने के लिए मिलेगा प्लस आपका स्टिग्मा साइलेंट ओवरी, दोनों चीजें आपको एक ही फ्लावर में देखने के लिए मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो मोनोशियस प्लांट, राइट। तो ऐसे कोकोनट और कुकरबिट्स में आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसे को हम क्या बोलते हैं मोनोशियस, या फिर हम बोलेंगे कि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने के लिए मिलते हैं। डाइशियस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट प्लांट पे देखने के लिए मिलते हैं सेपरेट सेपरेट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं ह्यूमन बींग्स का, हम क्या है डिप्लॉयड है, हम डिप्लॉयड है और हमारे अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है मेल अलग देखने के लिए मिलता है, ओके, और फीमेल बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलती है, अलग अलग देखने के लिए मिलता है ना, तो हम डिप्लॉयड हैं। तो डी से याद कर लेना डिप्लॉयड और डाइशियस एग्जैक्टली सेम है, तो हमारे अंदर सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन देखने के लिए मिलता है, तो हम कैसे हैं यूनिसेक्सुअल, ओके, सिर्फ एक ही सेक्स हमें देखने के लिए मिलता है हर एक इंडिविजुअल में, तो हमें यूनिसेक्सुअल प्लस डिप्लॉयड है तो डाइशियस है। और यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ऑर्गन देखने के लिए मिलेगा, यूनिट आप बोल सकते हो, स्ट्रक्चर यूनिट ऑर्गन कुछ भी बोल सकते हो, ओके। और यहाँ पे जो मेन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं विच इज पपाया एंड डेट पाम, जिसे कभी भी नहीं भूलना है, पपाया और डेट पाम को बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ओके। तो पपाया और डेट पाम में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, डाइशियस होता है, यानी कि आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, इधर मेल और फीमेल, राइट। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक सेपरेट, इसकी हम बात कर रहे हैं आपके हर्माफ्रोडाइट्स की। हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे एनिमल है जिनके अंदर आपको दोनों ही सेक्स ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं, फीमेल भी और मेल भी एक साथ, ओके। तो एक ही ऑर्गन, एक ही आपको एनिमल में दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फर्स्ट वर्ड, कि ये एनिमल के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं हर्माफ्रोडाइट, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका एक बहुत अच्छी तरीके से याद करने वाली ट्रिक है स्टील, देखो स्टील की स्पेलिंग तो वैसे STEEL होती है, ओके, लेकिन यहां पे ना स्पेलिंग को थोड़ी देर के लिए भूल के ये वाली स्पेलिंग याद करेंगे। देखो S से होता है आपका स्पॉन्ज, T से होता है टेपवॉर्म, E से होता है अर्थवॉर्म, और L से होती है लीच, ओके। इस वाली ट्रिक से याद करोगे जिंदगी भर याद रहेगा, इनफैक्ट मैंने खुद इस वाली ट्रिक से याद करा है। तो ये मैं एक छोटी सी ट्रिक है जिसे मैं तो हमेशा याद रखती हूँ कि हर्माफ्रोडाइट के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो स्टील याद कर लेना, स्टील और आयरन याद करना इतना मुश्किल नहीं होता है, राइट। तो स्टील से S से स्पॉन्ज, T से टेपवॉर्म, E से अर्थवॉर्म एंड L से लीच, और हो गया आपका रिवाइज और बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो गया, और अब आप ये भूलने भी नहीं वाले, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस की। देखो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और अगर ये आप याद करके नहीं गए तो आपका 2 मार्क्स का तो बहुत घाटा होने वाला है एग्जाम में। तो पार्थिनोजेनेसिस है क्या? पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो फीमेल होती है वो गैमीट का फॉर्मेशन करती है। सपोज कर लो एक फीमेल है, उसने अपना गैमीट दिया, ओके, और इस यही गैमीट क्या होगा दूसरे अडल्ट में फॉर्म हो जाएगा विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फीमेल, ये जो मेल है उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेल तो चाहिए ही नहीं, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अडल्ट के फॉर्मेशन को एक फीमेल गैमीट से, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है गैमीट्स का, ओके, क्योंकि मेल गैमीट तो आया ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है अडल्ट में, तो इसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और ये आपको देखने के लिए मिलती है एग्जाम्पल्स रोटिफोर्स, हनी बीज, बर्ड्स एंड सम लिजर्ड्स। हनी बीज वाली ये वाली चीज हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इनके अंदर क्या होता है, ओके। तो पार्थिनोजेनेसिस और बड़ा है वहां पे कि एग्जैक्टली हनी बी में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, वो हम देखेंगे
हनी बीज वाले में ओके, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए ताकि लिख के आ पाओ। तो फीमेल के जो गैमीट्स है वो डायरेक्ट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी और उन गैमीट से अडल्ट का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। मेल की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात, अब देखो यहाँ पे जो टर्म है आपका मियोसाइट, ये जो मियोसाइट है आपकी गैमीट मदर सेल है, तो ये जो आपकी गैमीट मदर सेल है ना, ये अंडरगो करेंगी आपकी मियोसिस डिवीजन, अंडरगो करेंगी और इससे फॉर्मेशन होगा आपके गैमीट्स का। ओके, तो बहुत सारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा जब आपकी गैमीट मदर सेल आपका अंडरगो करेंगी रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस डिवीजन, और ये गैमीट मदर सेल को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। और ये सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं यानी कि उनमें एक क्रोमोसोम के दो कॉपीज देखने के लिए मिलती है, यानी कि 2N आपको देखने के लिए मिलता है। एक क्रोमोसोम है जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको उस 1 क्रोमोसोम की, फर्स्ट क्रोमोसोम की दो कॉपीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, ओके, इनटू 2 आपको देखने के लिए मिलेगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो मियोसाइट्स कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि अंडरगो करेंगी मियोसिस डिवीजन या फिर हमें जिन्हें बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म गैमीट्स। इसके बाद एक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस, लेकिन 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि आपका ओविपैरस एंड विविपैरस का डिफरेंस है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो डिफरेंस किसके बीच, ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल में, तो देखो ओविपैरस एनिमल वो है जो कि एग्स ले करते हैं और यहाँ पे इनके एग्स के ऊपर आपको एक कवर देखने के लिए मिलता है। तो देखो वैसे भी एग की शेप कुछ इस तरीके से होती है, तो इसकी शेप से ना अच्छी तरीके से याद कर लेना कि ओ से ओविपैरस एनिमल्स एग्स ले करते हैं और ये आपके फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों ही हो सकते हैं। ओके, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अनफर्टिलाइज भी हो सकते हैं और फर्टिलाइज भी हो सकते हैं, लेकिन एग्स ले करते हैं। हार्ड कवरिंग आपको देखने के लिए मिलती है जो कि कैसे होती है, प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है। इस एग के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस एग के अंदर आपको एम्ब्रियो देखने के लिए मिलता है। ये जो एम्ब्रियो होता है इसका जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो एग के अंदर ही हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये पेरेंट जो आपकी फीमेल पेरेंट है उसकी बॉडी के बाहर ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन बहुत खतरा है कि कोई प्रेडेटर आएगा और इसे खा जाएगा, तो सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है। जितना भी न्यूट्रिशन इसे मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इसके योक से। अब एक एग बन के तो तैयार हो गया ना, अब इस एग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये कुछ मटेरियल और यहाँ पे पीछ वाला पार्ट। तो यहाँ पे जितना भी इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है इसकी मदर की बॉडी से नहीं मिल रहा है, तो बाहर आ गया है, सराउंडिंग एनवायरमेंट में है। ओके, तो इससे जितना भी न्यूट्रिशन जो इसके एग में है वहीं से मिल रहा है, इसके योक पार्ट में से। अब हम बात करें किन किन में आपको देखने के लिए मिलते हैं ओविपैरस एनिमल्स, कौन कौन से हैं। तो बर्ड्स, जितनी भी आपकी बर्ड्स हैं वो ओविपैरस होती हैं, हम सबको पता है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और प्लैटिपस। प्लैटिपस एक कार्टून आता था प्लैटिपस पेरी करके, आपने हो सकता है देखा भी हो, तो उसमें फ्रेडरिक कुछ ऐसा था, प्लैटिपस था लेकिन, तो उसमें दिखाते थे प्लैटिपस। प्लैटिपस एक ऐसा एनिमल है जो कि लाइक एक मैमल है, एग लेइंग मैमल, सिर्फ यही मैमल है जो कि एग्स को ले करता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं डक्ट बिल प्लैटिपस, राइट। तो जिस जो कि आपका एग लेइंग मैमल है आपको देखने के लिए मिलता है। हाउएवर जो विविपैरस एनिमल होते हैं वो अपने यंग बर्ड्स को डायरेक्टली गिव बर्थ करते हैं और इसपे आपको कोई भी हार्ड कवरिंग देखने के लिए नहीं मिलती, यानी कि कोई भी प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिलेगा, तो एब्सेंस देखने के लिए मिलेगी प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर है, यूटेरस के अंदर, वॉर्म में आप बोल सकते हो, वॉर्म में डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। सारा न्यूट्रिशन भी किससे मिलेगा, आपकी मदर से, जो मदर खाएगी वही उसके बेबी को, उसके एम्ब्रियो को मिलेगा न्यूट्रिशन के लिए। ओके, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि प्लेसेंटल केयर यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। प्लेसेंटल केयर की वजह से आपको चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है, प्लेसेंटल केयर बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है विविपैरस एनिमल, इसलिए ज्यादा चांसेस रहते हैं उनके सर्वाइव करने के लिए। अब एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए हर किसी चीज के, जितने भी मैमल्स हैं एक्सेप्ट प्लैटिपस। प्लैटिपस भी कौन सा, डक्ट बिल्ड प्लैटिपस,
तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें तो आपको ओविपैरिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि एग्स ले करेंगे, ओके, और सिर्फ इसको छोड़ के जितने भी मैमल्स हैं वो सारे कैसे हैं, विविपैरस। आई होप इतनी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो गई होगी। भी पार्ट था ना कि कंटेंट वाला, वो तो सब कुछ हमारा रिवाइज हो गया। अब हमें प्रैक्टिस करने है कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। अब PYQs में आपके MCQs भी आते हैं, तो MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे MCQs से, फिर मूव करेंगे सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे। तो कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। नंबर वन क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में आया है, अपियर हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज, इन सम एनिमल्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो यहाँ पे जब आपका एक फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, राइट? तो पार्थिनोजेनेसिस राइट ऑप्शन है। अभी हमने पढ़ी भी थी प्रोसेस, डेफिनेशन पढ़ी बहुत अच्छी, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल था हनी बीज, रोटिफर्स, ओके, टर्की, फिर कुछ आपकी लिजर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे आंसर करना है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन द लाइफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे इनमें से जो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आपका फ्लावर करता है। सो यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है। अगर हम देखें प्लांट्स को, तो हमारे पास तीन तरीके की कैटेगराइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग। आपके पास एनुअल फ्लावर हमें देखने के लिए मिलते हैं, देन बाइनियल, और फिर आपके पेरिनियल, राइट? ये जो आपके एनुअल फ्लावर्स है, ये प्लांट सिर्फ जिंदगी में अपनी एक ही बार फ्लावर करते हैं। बाइनियल जिंदगी में दो बार फ्लावर करते हैं, और पेरिनियल एवरी ईयर फ्लावर करते हैं, राइट? सो यहाँ पे जो एनुअल है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेंगे, सिर्फ एक बार लाइफ में। और इनके जो मेन मेन एग्जाम्पल जो कि आपको याद होने चाहिए वो है जैसे आपका वीट, ओके, फिर आपका राइस हो जाएगा, देन आपका बैम्बू, ओके, बैम्बू जो स्पीशीज है वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेगा, देन आपका जो बाइनियल है, बाइनियल में आपको देखने के लिए मिलता है अनियन, अनियन के बाद आपको कैरेट, कैरेट के साथ साथ आपको देखने के लिए मिलता है रेडिश। ये आपके एग्जाम्पल है बाइनियल प्लांट्स के। फिर एवरी ईयर इसमें आपके ट्रीज और श्रब्स और हर्ब्स आते हैं, अलग है, ओके, इनके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। दो मेन जो इंपॉर्टेंट है, एनुअल और बाइनियल, इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मेन इनमें डिफरेंस क्या है, एक साल में एक बार और जिंदगी में एक बार और जिंदगी में दो बार, ओके, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वंस इन देयर लाइफ टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्लांट कौन सा पूछ रहा है, वो एनुअल, और अगर हम देखें इन सारे ही ऑप्शंस को, तो हमें सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है बैम्बू, तो हम किसको टिक करेंगे, बैम्बू को, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको पता चल गया। प्लस अगर क्वेश्चन आता है एनुअल और बाइनियल पे, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है आपके लिए तो एग्जाम में, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम में लिखना कैसे है, ये वाली चीज बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आंसर कुछ इस तरीके से करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर वन, ओके, आंसर नंबर जो भी आपका क्वेश्चन का नंबर हो, राइट? उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर डालना है, फिर उसका आंसर लिखना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन डी राइट है तो डी लिखना है, फिर आपको लिखना है पार्थिनोजेनेसिस, ओके, बस इतना। ये नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ दें, नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं होता, पहले आपको फिर उसे पूरा भी कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तब हाँ आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो अब मूव करेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, किस में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं, या तो आपको सिर्फ आपको फीमेल देखने के लिए मिलेगी, या फिर इधर आपको मेल देखने के लिए मिलेगा, ओके। सो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डाइशियस कंडीशन जो हमें देखने के लिए मिल रही है, तो डाइशियस कंडीशन हमें किसमें देखने के लिए मिलती है, डेट पाम में, पपाया में और कुकम्बर में, ओके। सो डेट पाम,
पपाया और कुकुम्बर, इनमें हमें देखने के लिए मिलती है। हम बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। ओके, सो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट इज, तो लाइफ स्पैन हमने पैरेट का पढ़ा था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये होता है आपका 140 ईयर्स। बस हमें टिक करना है, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है। देखो फिर यहाँ पे इस वाले चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका 2013 का। अब ये सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, ओके, ये सीबीएसई बोर्ड के नहीं है क्वेश्चन, ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चंस है, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं 2021 में, तो ये वाले बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। तो मियोसिस कहाँ होती है, किस सेल में मियोसिस होती है? तो देखो ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन, गैम्यूल्स, मेगास्पोर, मियोसाइट और कोनिडिया। तो देखो गैम्यूल और आपका कोनिडिया, ये आपके एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि अब एग्जाम में आपके सिलेबस में हट गए, राइट। तो ये आपके एसेक्सुअल या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है। बट मियोसाइट हम ये जानते हैं, मियोसाइट क्या है आपका, गैमीट मदर सेल जो कि अंडरगो करती है मियोसिस डिवीजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और जिससे फॉर्मेशन होता है आपके गैमीट्स का। आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सब्जेक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर वन क्वेश्चन देखो, नेम द फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की कौन सी चार फेजेस होती है? अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी हम रिवाइज कर रहे थे, लाइफ स्पैन क्या होता है, आपके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम। अब कौन सी स्टेजेस होती है? तो देखो नंबर वन स्टेज जो होती है आपकी, वो होती है आपकी जुवेनाइल। जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, वो बॉर्न हुआ है और रिप्रोडक्शन करने से पहले, मतलब प्यूबर्टी एज आने से पहले जितना भी फेज है, जितना भी फेज वो जिएगा, वो उसका जुवेनाइल फेज है। इसमें वो क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, ग्रोथ होगी उसकी, ओके। इसे हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं अगर हम बात करें प्लांट्स की। तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव, जुवेनाइल कहेंगे एनिमल्स के लिए, ओके। सेकेंड फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि प्यूबर्टी आ चुकी है और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट। तीसरी फेज होती है आपकी लाइफ स्पैन की, वो होती है आपकी सिनेसेंट फेज। सिनेसेंट फेज ये आपकी ओल्डर एज, आप इसे ओल्डर फेज भी कह सकते हो, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो लॉस हो जाएगी और बॉडी बहुत वीक हो जाएगी फंक्शनिंग में। और फोर्थ स्टेज होती है आपकी डेथ, ओके। सो एंड में क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये चार फेजेस आपको दिखाई देती है, लेकिन आप एग्जाम में अपना आंसर कैसे लिखेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, आंसर नंबर टू, ओके, या कुछ भी जो भी उसका नंबर हो वो। फिर द फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन आर, नंबर वन जुवेनाइल फेज, फिर इसके बारे में थ्योरी, दो पॉइंट्स लिख दीजिए, वन टू, ओके, फिर आपका रिप्रोडक्टिव फेज, फिर इसके बारे में आप थ्योरी लिख दीजिए, कुछ थोड़ा सा एक डेफिनेशन एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। फिर थर्ड पॉइंट सिनेसेंट फेज, सिनेसेंट फेज के बारे में कुछ आप लिख दीजिए, बस एक लाइन या दो लाइन। फिर आप फोर्थ वाली स्टेज लिख दीजिए, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए अपने आंसर को। डेफिनेटली जो एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि उसे क्लियरिटी लगेगी और उसे पता चलेगा हाँ बच्चे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इस वाली चीज की, ओके। सो आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ओके। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे इसे और जो आपके क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसाइट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो देखो यहाँ पे हम सब जानते हैं मियोसाइट्स क्या है, गैमीट मदर सेल जो कि आपका मियोसिस डिवीजन अंडरगो करके फॉर्मेशन करती है गैमीट्स का, ओके, किसके अंदर, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैमीट्स का फॉर्मेशन तभी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तब पॉसिबल है जब मियोसाइट्स है। तो सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ में आ गया, और कैसे लिखना है, आई होप ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फॉर्मेट देख के। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज रेफर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। देखो 2014 में, सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ रहा है टेरर ऑफ बंगाल किसे हम बोलते हैं। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ा है, वॉटर हाइनसिंथ जो है आपका, उसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया क्रेस्पेरिस, आप बोटानिकल नेम भी लिख के आइएगा। क्यों बोलते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स
और लीव्स की वजह से हमने इसे इंट्रोड्यूस करा, ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का होगा तो आप डेफिनेटली इसे लिखिए कि यहाँ पे ये जितना भी डिजोल्व ऑक्सीजन है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिश की जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज कर देता है, मतलब फिश वहां पे मर जाएंगी उस लेक में, तो ऐसा कुछ करता है। ये आप मेंशन करिए अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मियोसिस इज असेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, गिव द रीजन। 2015 में आया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मियोसिस जो है, रिडक्शनल डिविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो गैमीट का फॉर्मेशन सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ में। इसके बगैर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोजेनी क्रिएट ही नहीं होगी। तो प्रोजेनी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? ओके, सो गैमीट्स का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी मियोसिस डिविजन है जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो बैलेंस रहेगा। तो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज डज मियोसिस अकर इन एन ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड मेंशन द फेट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट डज प्रोड्यूस। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेज में मियोसिस आपको देखने के लिए मिलती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि हैप्लॉइड है। तो देखो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एन उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब मेल में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है एन और फीमेल में भी आपको एन देखने के लिए मिल रहा है। दोनों के गैमीट्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? एन एन। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, वो हो गया 2N। राइट, अब 2N के बाद इसे बनना है अडल्ट। अडल्ट में कैसा है ये? आपका हैप्लॉइड। राइट, तो यहाँ पे आपको कुछ ये देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे ये अंडरगो करेगा मियोसिस डिविजन, तब जाके ये अडल्ट में फॉर्म होगा, तभी जाके होगा ना अडल्ट में फॉर्म। तो यहाँ पे एट द लाइक आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट बन गया है, जायगोट में क्या होगी? जायगोट स्टेज में आपका होगी मियोसिस डिविजन, तब जाके अडल्ट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट आप बोल सकते हो, गैमेटोफाइट बोल सकते हो, जैसे प्लांट में हो रही है। तो गैमेटोफाइट प्लांट कब बनेगा या गैमेटोसाइट आपका कब बनेगा? जब आपका मियोसिस डिविजन हो जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में कौन सी स्टेज में होगा? तो जायगोट स्टेज आपका आंसर होगा। मेंशन द स्टेज ना, तो जायगोट स्टेज में आपको देखने के लिए मिलेगा मियोसिस डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग एनिमल्स एज ओविपेरस एंड और विविपेरस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं ओविपेरस और विविपेरस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। फॉर्मेट भी हमने पढ़ लिया था जब हमने रिवाइज करा था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एन एनुअल एंड ए बाइनियल प्लांट। तो इसमें भी हमने देखा एनुअल लाइफ में एक बार करेगा और इसके एग्जाम्पल देखे थे, और बाइनियल लाइफ में दो बार करेगा, इसके एग्जाम्पल देखे थे। राइट, 2000 आपका सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are papaya said to be dioecious? Papaya को हम dioecious क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको either एक plant में या तो आपको देखने के लिए मिलेगा female या फिर आपको male देखने के लिए मिलेगा, okay, flower के अंदर। या फिर आप बोल सकते हो dioecious तो मतलब सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगा structure, अगर plant की बात करें तो। तो ये वाली चीज आपका आंसर हो सकता है, आपको either male देखने के लिए मिलता है या फिर female structure देखने के लिए मिलता है। इसलिए पपाया कैसा है आपका? dioecious। और ये भी है लाइक दो आपका 2014 या 12 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो गई होगी आपकी। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन हैगा, वहां पे आपको एक टेलीग्राम आपका लिंक मिलेगा, डेफिनेटली जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझसे जितने भी डाउट आप सॉल्व करवा सकते हैं वहां पे करवाइए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और कंटिन्यू करेंगे आगे के रिविजन सेशन को। बाय बाय।